अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स द मोस्ट अवेटेड रिव्यू ऑफ सुपरस्टार फाल्कन 150 इज़ ऑन आज हम आपके लिए रिव्यू करेंगे इस सुपरस्टार फाल्कन 150 का इसकी पिक्चर्स तो काफ़ी अर्से से डिस्क्लोज हुई हुई थी बट प्रॉपर रिव्यू आज आपके लिए लेके आए हैं मार्केट में ये प्रोडक्ट लॉन्च भी हो चुका है इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है और डिलीवरी भी बड़ी करीब है तो आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे आज के इस रिव्यू में रिव्यू uh, स्टार्ट करने से पहले अब चूँकि हम लोगों ने बुकिंग की बात कर दी तो वो आपको बताते चलें कि इस बाइक की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है और डिलीवरी uh, इसकी आ रही है फिफ्टीन जून से ऑनवर्ड तो कंप्लीट रिव्यू करते हैं बाकी प्राइसिंग डिटेल इंस्टॉलमेंट प्रोसेस और बाकी सब डिटेल्स आपको एंड में बताएंगे डिफरेंट uh, किस्म का बाइक है ऑलरेडी मार्केट के अंदर हाई स्पीड इन्फिनीटी इसके साथ का मिलता जुलता बाइक आया है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट के अंदर और ये भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट आई है डेफ़िनेटली दोनों कंपनीज़ की कोशिश है कि अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बनाई जाए 150 फिफ्टी नो डाउट हाई स्पीड इन्फिनीटी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉपुलर है अब सुपर स्टार आई है लेट्स सी कि सुपर स्टार इस वक्त कैसा परफॉर्म करती है और आ, मार्केट में इसकी रिप्यूट कैसी डेवलप होती है आज के इस वीडियो रिव्यू के अंदर हम आपको इसके टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बताएंगे कॉस्मेटिक्स के बारे में बताएंगे और अपना एनालिसिस देंगे कि इस बाइक में क्या कुछ है तो व्यूअर्स स्टार्ट लेते हैं इसकी थ्री सिक्सटी से और आपको इसकी चीज़ें दिखाते चलते हैं कितनी डिफरेंट और काफ़ी ख़ूबसूरत चीज़ें हैं सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर की जो थ्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इस किस्म के टायर के थ्रेड बाकी बाइक्स में नहीं आती मडगार्ड को आप देखा जाए तो प्योर कैफ़े रेसर की तरह का मडगार्ड लगाया गया है इसी तरीके से लोग कस्टमाइज़ करके कैफ़े रेसर को मडगार्ड लगाते हैं फ्रंट टायर के साइज़ के बारे में अगर व्यूअर्स हम बात करें तो एक सौ दस सत्तर सत्रह का यहाँ पर हमें टायर दे दिया गया है और इस साइड से ऊपर चल के अगर हम इसकी डिस्क ब्रेक के बारे में बात करें तो फ्रंट के ऊपर हमें सिंगल डिस्क ब्रेक विद ड्यूएल पिस्टन कैलेबर दिया गया है डिस्क की क्वालिटी काफ़ी ही अच्छी लग रही है फ्रंट हेडलाइट भी देखिए आप वो भी काफ़ी खूबसूरत है जिस तरीके से कैफ़े के ऊपर लोग आफ्टर मार्केट ग्रिल लगाते हैं ओरिजिनल ग्रिल ही इसके अंदर लगाई गई है और फ्रंट के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल डिस्क ब्रेक विद ड्यूएल पिस्टन केलेबर है तो इसका जो डिस्क बूस्टर है वो आप देखिए काफ़ी खूबसूरत है आ, ग्लास बेस्ड है और आपको इसके अंदर ऑयल लेवल्स यहाँ से नजर आते हैं बाकी अगर हम साइड से और बात करें इंजन के बारे में भी अगर आपको बताएं तो इंजन इसके अंदर 150 सीसी का इंजन लगाया गया है ये कंपनी क्लेम करती है मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है आई माइट बी रॉन्ग बट मैं जितने अरसे से काम कर रहा हूँ मेरा अपना ख्याल है कि इसके अंदर जो पिस्टन है वो वन नहीं उससे बड़ा डाला गया है बिकॉज uh, ये इंजन हमारे कैफे रेसर में भी आता है जिसकी इंजन की डिस्प्लेसमेंट 198 होती है आई एम नॉट श्योर कि 198 है या नहीं कंपनी 150 क्लेम कर रही है बट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जिस तरीके से इसकी पिक है इट माइट बी 198 इसकी इंजन की डिस्प्लेसमेंट हो पिस्टन बड़े डले हों बट ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ये गलत भी हो सकता है उसके अलावा अगर आप साइड इसका देखें तो साइड पर एग्जॉस्ट भी उसी तरीके से लगाया गया है साउंड टेस्ट करके आपको चेक करवाएंगे व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो ये इसकी साउंड लाउड नहीं है जो कि अच्छी भी है और बुरी भी ये है आजकल के जो यंग जनरेशन है उनको लाउड एग्जॉस्ट पसंद है और लोग लाउड एग्जॉस्ट पसंद करते हैं बट इसके अंदर नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करके साउंड थोड़ी सी कम की गई है अगर इसके अंदर आप आफ्टर मार्केट साउंड के लिए एग्जॉस्ट लगाना चाहें तो वो भी लग सकता है और इसका अपना एग्जॉस्ट अल्टर होकर इसकी साउंड लाउड भी की जा सकती है इसके बाद अगर रेर स्विंग आर्म की बात की जाए तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्विंग आर्म है रेर शॉक्स काफ़ी हैवी हैं इसके अंदर अंदर आपको पम्प भी दिए जाते हैं इसके अंदर और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक हैवी क्वालिटी का स्प्रिंग भी दिया जाता है उसके अलावा यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन भी दी जाती है सॉफ्टनेस और हार्डनेस की भी और हाइट कंट्रोल की भी एक दो तीन और चार पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं इसकी हाइट अप एंड डाउन कर सकते हैं उसके अलावा आपको नॉर्मली बाइक्स में प्रॉब्लम आती है साइड स्टैंड लगाते हुए तो यहाँ पर साइड स्टैंड के लिए लगाने के लिए आपको हैंडल भी दिया गया है रेल डिस्प्ले की व्यूअर्स बात करते हैं तो रेल के ऊपर आप देख सकते हैं सिंगल डिस्प्ले के विद ड्यूएल पेस्टन गैलेबर रेल के ऊपर हमें 140 सौ चालीस का टायर दे दिया जाता है इसकी भी अगर आप लुक और फेट देखें तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है उसके अलावा रेल मड गार्ड भी बिल्कुल कैफ़े रेसर की तरह है इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं बैक लाइट आप देख सकते हैं कैफ़े रेसर जिस तरीके से कस्टमाइज़ किया जाता है एग्जैक्टली exactly वही चीज़ इन्होंने ब्रांड न्यू बाइक में दे दी है नंबर प्लेट होल्डर भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बैक से इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं फिर उसके बाद सीट के बारे में व्यवर्स अगर बात करें तो सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको हाँ ये दिया गया है और एक यहाँ पर जिसकी वजह से आप यहाँ पर बड़ा इजीली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बट एक ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आता है कि दो बंदों के लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल में ये सीट छोटी होगी आप देख सकते हैं कैफे रेसर है वैसे नॉर्मली सीट नहीं होता है बट पैड अफसान बैठ के देखते हैं जी क्या ख्याल है कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं सीट थोड़ी छोटी है रेयर सीट मेरे ख्याल में थोड़ी सी छोटी है बट कैफ़े की लुक बनाने के लिए ये सीट होना ज़रूरी है आ, दो बंदे इतने कंफर्टेबल नहीं खैर वैसे मेरा वेट और आपकी फिजिक में फ़र्क है शायद दो पतले लोग बैठे तो आ, ये आ, ठीक हो बट कैफ़े की शायर सीट ऐसी ही होती है छोटी होती है इस साइड के ऊपर व्यूअर्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको या आप देख सकते हैं कि स्टील का यहाँ पर आपको चेन कवर दिया गया है नॉर्मली बाइक के अंदर प्लास्टिक का दिया जाता है जिसके टूटने के काफ़ी चांसेस होते हैं और यहाँ पर हमें एक अच्छी क्वालिटी का दिए चेन कवर दिया गया है उसके अलावा बैक फुटरेस्ट भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लगाए गए हैं गेयर ट्रांसमिशन की व्यूअर्स बात की जाए तो यहाँ पर हमें रिवर्स शिफ्ट गेट दे दिया जाता इंजन है इंजन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है हम लोगों ने ऑलरेडी भी कैफे रेसर जो अपनी प्राइवेट इम्पोर्ट की थी उसमें ये इंजन लगे थे जो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी की है परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है टैंक की जानेब के लेके चले तो फ्यूल टैंक इसका तकरीबन पंद्रह सोलह लीटर फ्यूल टैंक की इसके अंदर कैपेसिटी होगी मीटर की जानब यहाँ पर लेके चले तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डिजिटल मीटर की ऑप्शन दी गई है जिसके अंदर हमें गेर इंडिकेटर दिए जाते हैं माइलेज की ऑप्शन दी जाती है आर की ऑप्शन दी जाती है और स्पीड की ऑप्शन दी जाती है आ, ग्रेप पर राइट साइड के ऊपर किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है लाइट पार्किंग लाइट ऑन और फुल लाइट ऑन की ऑप्शन दी जाती है सेल्फ स्टार्टर की हेजट्स की ऑप्शन दी जाती हैं डिपर की लो हाई की और इंडिकेटर की ऑप्शन दी जाती है उसके साथ साथ यहाँ पर आपको हॉर्न की ऑप्शन भी दी जाती है व्यूअर्स ये कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है और यहाँ पर इंजन के अंदर जो आप कार्बोरेटर के साथ नॉर्मली चोक होता है और बहुत सारे बाइक्स आप देखते हैं जिनका चोक का लेवर यहीं दे दिया गया होता है इस बाइक में ऐसा नहीं है चोक का लेवर आपका ये नीचे है जिस तरीके से होंडा वन टू तो फाइव के अंदर होता है आपको ये चोक करने के लिए यहाँ से इस लेवर को उठाना होता है ओवरऑल बाइक अच्छा खूबसूरत बाइक है और कलर ऑप्शन के बारे में व्यूअर्स बात करें तो यहाँ पर हमें तीन कलर ऑप्शन दी जाती हैं एक मैट पर वाइट दूसरा कलर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और तीसरा कलर मैट आर्मी ग्रीन तो लेट्स सी ये बाइक जब मार्केट में जाता है तो कैसा परफॉर्म करता है इसका फीडबैक कैसा आता है कस्टमर इसके साथ के लिए क्या रिव्यूज़ देता है अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में जो कि आप डेफ़िनेटली आप सब लोगों का क्वेश्चन होगा कि इसकी प्राइस क्या है व्यूअर्स तो इसकी प्राइस जो इस वक्त कंपनी ने अनाउंस की है दैट इज़ थ्री लैक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ तीन लाख पचहत्तर हज़ार रुपये में ये बाइक इस वक्त लॉन्च किया गया है इनिशियली हमारा ख्याल था कि शायद ये प्राइस थोड़ी ज़्यादा है बट कीपिंग अदर प्रोडक्ट इन माइंड के इस वक्त मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वाई बी आर आप देख लें चार लाख के ऊपर है उसके बाद आप हुडा सी बी जो वन फिफ्टी है उसकी प्राइस देख लें और जितने भी वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सी सी कैटेगरी में बाइक्स आ रहे हैं कंपेरेटिव टू दैट प्राइस आई थिंक इट इज़ नॉट बैड परचेज़ करने के लिए प्रोसेस अभी सिंपल है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है और बुकिंग के लिए आपको सिर्फ़ एक लाख रुपये एडवांस देना है बाकी डिलीवरी इसकी होगी फिफ्टी ऑफ जून के बाद और ऑन डिलीवरी बाकी पेमेंट दी जा सकती है बुकिंग करवाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रबा कर सकते हैं या यूनाइटेड ऑफ मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी विज़िट भी कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप दूसरे शहर से बिलोंग करते हैं लाहौर से कराची से मुल्तान से फैसलाबाद सियालकोट uh, किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें हम आपको उस एरिए के डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे जहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल नहीं होंगे वहाँ पर हम ख़ुद ये प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इस प्रोडक्ट के बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं प्राइस के बारे में लोग कहेंगे ज़्यादा है कम है उसके अलावा ओवरऑल बताएं कि आपको उसकी लुक्स कैसी लगी और आ, क्या आप समझते हैं कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अपनी जगह बना पाएगी या नहीं आ, एक चीज़ रहेगी इंस्टॉलमेंट अरसान ने ठीक याद करवाया है इंस्टॉलमेंट तो जी व्यूअर्स इंस्टॉलमेंट का प्लान भी इस बाइक के लिए मौजूद है और इंस्टॉलमेंट अभी बाकी शहरों के अंदर स्टार्ट नहीं की रावलपिडी के अंदर स्टार्ट कर दी गई है और उसके अंदर प्रोसेस बड़ा सिंपल है दो रावल पिंडी के इस्लामाद के गारंटर आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं गरेंटर्स रावलपिंडी या इस्लामाबाद के चाहिए होंगे फिफ्टी परसेंट डाउन पेमेंट चाहिए होगी और मैक्सिमम प्लान बीस महीने तक का आप ले सकते हैं जितने ऐसे का प्लान लेंगे प्राइस अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं हम आपको प्लान आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना के देंगे उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफिज़